सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम हिंदुओं के पांच देव मुख्य हैं। सबसे पहला श्री गणेश, दूसरा आदिशक्ति माँ दुर्गा जी, तीसरा शिव जी बाबा, चौथे श्री हरि भगवान और पांचवें सूर्य भगवान। ध्यान दीजिएगा, गणेश जी को आपको प्रसन्न करना हो तो ज्यादा दुबी पत्ता चढ़ाइए। ओम गंग गणपते नमः कह करके आप दुबी पत्ता चढ़ाइए। श्री आदिशक्ति माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करना हो तो ज्यादा से ज्यादा आप स्तुति गाइए और छोटे छोटे बच्ची में माँ का दर्शन करिए, जवारा में माँ का दर्शन करिए, ज्योति में माँ का दर्शन करिए और अपनी माँ में आदिशक्ति माँ का दर्शन करिए तो माँ प्रसन्न होती है। माँ सबको कहिए, श्री हरि भगवान विष्णु को प्राप्त करना हो तो अच्छे से अच्छा माला बना करके आप भगवान को पहनाइए। भगवान को पुष्प के हार ज्यादा प्रिय है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और सूर्य भगवान जी को प्रिय है, केवल हम प्रणाम कर दें बस। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। जब प्रातः आप उठेंगे, जगेंगे सवेरा, तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए, बस आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपकी बुद्धि प्रखर होगी। जो सूर्य भगवान के भक्त होते हैं, कल कथा गाई जाएगी, भगवान के भक्त होते हैं और बुद्धि उनकी प्रखर होती है। और हमारे शिव जी बाबा भोलेनाथ हैं, वो जगह जगह प्रकट होते हैं, आपके भी गांव में हैं, है ना लटेश्वर, क्या नाम है, लकेश्वर। बोलो लकेश्वर भगवान की जय। बाबा जी जगह जगह प्रकट होते हैं, हर एक योजन में यानी 12 किलोमीटर में उनका दर्शन हो ही जाएगा। तो बाबा जी को आप ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ाइए, जल तत्व है शिव जी बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसको बड़ा से बड़ा रोग पकड़ा हो, मृत्युंजय का जाप करें घर में कम से कम एक माला। असाध्य रोग जिसको पकड़ा हो, शिव जी में 11 बार ओम नमः शिवाय कह करके जल चढ़ाएं और जलहरी से जो जल बाहर आएगा उसको अपने ऊपर में छिड़काव करें, तो आपका जटिल से जटिल बीमारी भाग जाएगी। हमारे बाबा जी जल तत्व हैं, आप बाबा जी को ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ाइए, एक लोटा जल प्रत्येक दिन आप चढ़ाइए। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। आपको आरोग्य मिलेगा, प्रसन्न मन मिलेगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास में खरबों की संपत्ति यदि है, लेकिन यदि बड़ा बीमारी पकड़ लेगी ना तो खरबों की संपत्ति कभी नाश हो जाएगा। तो शरीर में क्या चाहिए, आरोग्यता चाहिए। आज हमारा शरीर आरोग्य है तब तो बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा गा रहे हैं। और बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे ना तो कथा बोल पाएंगे ना आप कथा सुन पाओगी। तो बाबा भोलेनाथ जी आरोग्य देते हैं, आप जल चढ़ाइए।